जनपद के बांसगांव थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश में चली गोली कांड में वांछित 16 अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने बेलूडीहा गांव के एक घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांव के ही श्रीनिवास प्रजापति के घर के बेसमेंट से वांछित 16 अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त पन्नेलाल के पास से एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस, अभियुक्त धर्मेंद्र पांडे के पास से एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस तथा अभियुक्त अमित यादव उर्फ सुन्नर के पास से एक तमंचा व 1 जिंदा व 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में पन्नेलाल यादव पुत्र खदेरू यादव, धर्मेंद्र पांडे पुत्र अमरनाथ पांडे, अमित यादव उर्फ सुन्नर पुत्र ब्रह्मदेव यादव, अखिलेश यादव पुत्र ब्रह्मानंद यादव, भानु प्रजापति पुत्र कृष्ण मुरारी प्रजापति, बैजनाथ पांडे पुत्र विश्वनाथ पांडे, ब्रह्मदेव यादव पुत्र खदेरू यादव, जयप्रकाश पांडे पुत्र बैजनाथ पांडे, संजय उर्फ बीशु विश्वकर्मा पुत्र बहादुर विश्वकर्मा, अरविंद यादव पुत्र रामा यादव, रमेश प्रजापति पुत्र श्रीनिवास प्रजापति, विकास विश्वकर्मा पुत्र कतवारू विश्वकर्मा, राजेंद्र यादव पुत्र कवलेश्वर यादव, राकेश प्रजापति पुत्र लालमन, रामचंद्र पांडे पुत्र विश्वनाथ, शिवम पांडे पुत्र हरीश चंद्र निवासी बेलूडीहा थाना बांसगांव शामिल हैं, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कल थाना बांसगांव के बेलूडीहा गांव में मतदान के दिन घैसरा बूथ पर दो पक्षों में आपस में जो विवाद हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर गांव में हमलावर हो गया, दूसरे मजरे में बेलूडीहा, जिसमें ईंट पत्थर भी चले, गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और एक व्यक्ति को गोली मार दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके क्राइम ब्रांच की टीम बांसगांव खजनी थाने की पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। शेष की गिरफ्तारी अतिशीघ्र की जाएगी। गिरफ्तार लोगों में से 3 लोगों के पास से नाजायज असलहे भी बरामद हुए हैं, उस आधार पर भी उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। ये बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि चुनाव संबंधी मामलों में जो लोग रंजिश को मुद्दा बना करके इस तरह कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे, उनके खिलाफ विधिक दायरे में गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के अंतर्गत कार्यवाही करने पर भी विचार किया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी।